आज उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में शालिनी सिंह पटेल प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा जनता दल यूनाइटेड की अगुवाही में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय बांदा पहुंची और मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ अमानवीय घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। वहीं शालिनी पटेल ने कहा कि जिस तरह से मणिपुर में घटना हुई, ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए तुरंत सरकार को भंग कर देना चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात तो करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन मणिपुर में बेटियों के साथ इतनी शर्मसार हरकत हो जाती है और कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। शालिनी सिंह पटेल ने कहा कि मणिपुर में हो रही अमानवीय अत्याचारों और महिलाओं पर हुए जनजन्य अपराध पर अत्यंत रोष और दुख व्याप्त है। आज किस तरह का ज्ञापन आप लोगों के द्वारा दिया गया? मणिपुर में जो बीभत्स घटना हुई है, महिलाओं को निर्वस्त करके घुमाया गया है, ये देश की संस्कृति और समस्त नारी जाति पर हमला हुआ है, जब तार तार की गई है। 8 मई को ये वीडियो बना था और वायरल अभी हुआ क्योंकि इंटरनेट सेवा वहाँ बंद कर दी गई थी। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति गया हो मणिपुर से बाहर तो इंटरनेट आया हो, उन्होंने वायरल किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी 88 दिनों से मणिपुर जिला प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े हुए हैं। अगर कोई विपक्ष का नेता जाता है तो कहते राजनीति करने जा रहा है। तो अगर आप सत्ता पक्ष नहीं जाएगा तो विपक्ष जरूर है, आवाज़ उठाएगा। और मैं आपके माध्यम से आह्वान करती हूँ, चाहे जिस पार्टी में महिलाएँ हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को मैं एक निमंत्रण देती हूँ, बुलाती हूँ कि आप भी आइए, क्योंकि यहाँ महिलाओं के सम्मान की बात है। जैसे मैंने कहा कि सिलेंडर वाली महिला स्मृति ईरानी नहीं दिख रही है, जो मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेज रही थी ना जंतर मंतर पर, नवनीत राणा हनुमान चालीसा पढ़ने वाली स्मृति ईरानी, गेहूँ काटने वाली, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो नारा अभी भी लगा रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पंपलेट लग रहे हैं। तो हम आपकी मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं, भारत सरकार से हम अभी निवेदन कर रहे हैं, रेड भी होगा कि जो है अगर जरा भी आपके अंदर हया बची हो प्रधानमंत्री मोदी जी, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, अन्यथा की स्थिति में ये देश की महिलाएं आपको जगाने का प्रयास जरूर करेंगी। आज जनता दल यूनाइटेड की टीम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है अशोक लाट में और DM के माध्यम से हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सैकड़ों महिलाएँ हैं और हम मांग करते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द लागू BJP के द्वारा लगातार ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि जैसे पश्चिम बंगाल में भी कई घटनाएं दिखा बता रहे हैं, वहीं राजस्थान में कई महिलाओं के साथ घटनाएं बता रहे हैं, तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? राजनीति क्यों कर रहे हैं? राजनीति करने का समय है, महिलाओं की इज्जत तार तार की जा रही है, राजनीति इनको चल रही है, हैं? आप 8 मई का आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आप क्या कर रहे हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया था? आपने दिया था ना, तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? मणिपुर से शुरू करिए, जहाँ जहाँ भी ये घटना हुई आप एक्शन लीजिए ना, हम आपके साथ हैं। किन किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया आपने? देखिए हमने जो है महिलाओं के साथ हुई अत्याचार की घटना के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर और सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो। मणिपुर की वीरेंद्र सिंह सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करें। यदि प्रधानमंत्री मणिपुर में राष्ट्रपति शासन